तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पीछे हमने रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट किए हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ा है हमने। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा है, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ हमने पढ़ा है, और उसे हमने डिनोट कैसे किया था, एफ इनवर्स से। कोई फंक्शन इनवर्स कब होता है, कोई फंक्शन इनवर्स कब होगा, कब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा। ठीक है, तो हम फाइंड करना चाहते हैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये छह टी रेशो होती हैं, को साइन एक्स, कोज एस, टैन एक्स, कोट एक्स, सीकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स। ठीक है, तो हमने इनका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनका इनवर्स फाइंड करने के लिए, जब इनका इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये क्या होनी चाहिए, वन वन एंड ऑन टू। आपने इलेवेंथ क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा आपने कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं दे आर नॉट वन वन एंड ऑन टू ऑन देयर डोमेन्स एंड रेंज। मेरी बात समझ रहे हो कि जो इनके नेचुरल डोमेन और रेंजेस हैं उनमें ये फंक्शन वन वन और ऑन टू नहीं होते हैं। अगर जब वन वन ऑन टू नहीं है तो फिर इनका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो हमने इनका इनवर्स फाइंड करना है। तो फिर इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि इनके जो डोमेन है, इनके जो डोमेन और जो रेंज है उनको आपने रिस्ट्रिक्ट कर देना है। क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, और रिस्ट्रिक्ट करने के बाद हमें वो जो फंक्शन है वो क्या मिल जाएगा, वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, चलिए ये किसका ग्राफ है कुछ पता है आपको, एक साइन एक्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया वाई इज के इक्वल, और ये इसका ग्राफ है। आपको पता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस वन होती है और मैक्सिमम वैल्यू वन। इस जो साइन एक्स का जो ग्राफ है ये माइनस वन और वन के बीच में वेरी करता है। उसकी रेंज क्या होती है, जहाँ मैंने लिखी है ये कुछ मैंने रेंज लिखी हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हैं इलेवेंथ में, कि जो साइन एक्स है फंक्शन उसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर होती है और रेंज क्या होती है, माइनस वन टू वन। ये देखो ये जो एक्स एक्सिस है बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये डोमेन है और ये रेंज है। तो आप देखो कि आप एक्स की वैल्यू जो अलग अलग आप डिफरेंट पुट कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राफ है वो माइनस वन और वन के बीच में ही रह रहा है। वैल्यू जो मर्जी है, अगर माइनस टू पाई है तब भी देखो यहाँ पे है, माइनस पाई है यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू है, ज़ीरो है। तो आपने वैल्यू चेंज करते हैं आप तो आपकी जो रेंज है साइन एक्स की ग्राफ की वो किस में रह रही है, माइनस वन और वन के बीच में रह रही है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्या है कि हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब देखिए क्या इस रेंज में और इस डोमेन में क्या ये फंक्शन वन वन ऑन टू है,
और मैंने आपको पहले कहा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं दे आर नॉट वन वन एंड ऑन टू ऑन देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंज। यहाँ मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि वाकई ये वन वन है या नहीं है। ये देखो हम वन वन कैसे प्रूव करते हैं कि हम दो डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं, उन पॉइंट के ऊपर उनके जो इमेजेस है वो भी डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्स वन एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ और एक्स वन मैं ले लेता हूँ माइनस पाई, ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, या फिर आप एक्स माइनस पाई ले लिया है और मैं दूसरा पाई ले लेता हूँ, दोनों डिफरेंट है, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। अगर ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो इसका क्या होना चाहिए कि जो इमेज है वो भी सेम होना चाहिए। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस पाई, और यहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या है साइन एक्स, तो ये साइन ऑफ माइनस पाई, तो फोर्थ क्वार्टर में माइनस साइन पाई और इज इक्वल टू। सिमिलरली एफ एक्स टू एफ पाई साइन पाई। अब देखो एक्स वन और एक्स टू डिफरेंट है लेकिन उनके इमेजेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है वन वन नहीं है, ठीक है, और इसी प्रकार से ऑन टू भी नहीं है। अब मैंने कहा कि हमने फाइन करना है इनवर्स, तो हम इनवर्स कैसे फाइन कर सकते हैं, हमने इसकी जो डोमेन है उसे हमने क्या कर देना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब हम उसकी डोमेन को छोटा कर देंगे और फिर उस छोटा करने पर हमें ये फंक्शन वन वन और ऑन टू मिल जाएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पे ये एक यहाँ पे ये पाई बाई टू है और ये माइनस पाई बाई टू है, ठीक है, और मैं ये वाला ग्राफ ले रहा हूँ। ध्यान से देखो आप, मैंने इसको डार्क कर दिया, बाकी छोड़ दिया, मैंने फिलहाल मैंने ये वाला ले लिया, बाकी मैंने इसकी सारी जो डोमेन छोड़ दी, मैंने ये डोमेन ले ली। कहाँ से डोमेन ले ली बेटा, माइनस पाई बाई टू से लेकर, अब आप इस डोमेन में चेक करें माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, क्या ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो जो भी ग्राफ इंक्रीज या डिक्रीज करे वो हमेशा वन वन ऑन टू होता है। वन वन ऑन टू का मतलब डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट इमेजेस। आप यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लो और इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू ले, इमेज कहाँ बनेगा, ये वैल्यू लेंगे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले लें वाई कहाँ आ जाएगा। तो क्या हुआ, डिफरेंट पॉइंट और डिफरेंट इमेजेस, तो क्या बन गया इस डोमेन में, क्या बन गया, वन वन बना नहीं बना, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू के बीच में ये ग्राफ आपका वन वन बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे हमने अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो मेरे पास जो अब डोमेन बनगी क्या बनगी कि साइन एक्स की जो डोमेन है अब क्या बनगी, माइनस पाई बाई टू से लेकर टू से लेकर, और रेंज क्या रही इसकी, मिनिमम वैल्यू कितनी रही और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रही, तो रेंज में कोई फर्क आया। अब ये जो फंक्शन है साइन एक्स, ये जो साइन एक्स फंक्शन है इस डोमेन और इस रेंज में क्या बन गया, वन वन एंड ऑन टू। ऑन टू इसलिए कि हर एक इमेज की वैल्यू प्री इमेज है ना, ऑन टू इसलिए कि ये अगर इमेज है तो इसका प्री इमेज है, ये इमेज है इसका प्री इमेज है, इसलिए ये ऑन टू भी है। तो ये मेरे पास अब फंक्शन जो है साइन एक्स रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या बन गई, डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी ऐसे, तो इस डोमेन में ये फंक्शन क्या बन गया, वन वन एंड ऑन टू। अब इसका मैं इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या ये एक ही इंटरवल है,
जिसमें ये वन वन ऑन टू हुआ है, को और भी कोई इंटरवल है जहां पे ये वन वन ऑन टू है? देखो अगर मैं ये वाले ले लूं बेटा और ये ले लूं, इसमें इन दोनों के बीच माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू से लेकर माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू से लेकर पाई बाई, तब भी ये जो फंक्शन है डिक्रीज कर रहा है। अगर कोई फंक्शन डिक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो वो भी क्या होगा? वन वन ऑन टू, क्योंकि ये एक एक्स है, इसकी वैल्यू कहाँ आएगी? यहाँ पे। एक यहाँ पे एक्स ले लो, इसकी वैल्यू कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे। अब यह एक्स है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट इमेजेस, तो क्या हो गया? वन वन। तो इस वाले इंटरवल में भी ये क्या है? कोई और यहां से ले लो, क्या पाई बाय टू से लेकर इसमें भी ये क्या है? वन वन है। तो इसी प्रकार आप और भी जो है इंटरवल ले सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो साइन एक्स है, ये एक से ज्यादा इंटरवल में वन वन ऑन टू है, लेकिन उसी इंटरवल में। आप कॉन्टीन्यूसली आप नहीं बोल सकते कि ये कॉन्टीन्यूसली जो है अपने डोमेन पे ये वन वन ऑन टू है, लेकिन इन इंटरवल्स में ये वन वन ऑन टू है। ठीक है, अब हमने इसमें से कोई एक इंटरवल चूज करनी है, तो वो हम चूज करते हैं ये वाली, और इसे बोलते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये जो पहले। ठीक है, तो दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसमें हम इस ब्रांच को जब हम लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? डोमेन आएगी, और रेंज हमारी वही रहेगी माइनस वन टू वन। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर वहाँ पे कोई मेंशन नहीं है आपको कोई ब्रांच, तो हम मान के चलते हैं कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब आपको समझ आ गया कि ये जो फंक्शन थे ये वन वन ऑन टू नहीं थे, लेकिन हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसकी जो डोमेन और जो रेंज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रेंज तो वही रही, लेकिन डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट करने के बाद ये जो फंक्शन है वन वन और ऑन टू बन गया। सिमिलरली आप कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं, साइन के लिए भी, कॉस टैन कोसेकन सीखने के निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको और देखना विस्तार से तो मेरे जो यूट्यूब पे वीडियो हैं आप वहाँ से आप देख लेना आपने। ठीक है, क्योंकि अब हम क्योंकि रिविजन कर रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब इनवर्स कैसे बना, अब ये देखो, अब ध्यान देना आपने, आपके पास फंक्शन है बेटा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और आपने इसको डिफाइन किया साइन एक्स सच दैट माइनस पाई बाई टू माइनस वन टू वन, ये फंक्शन वन वन और ऑन टू। अगर यहाँ पे आर लग जाए फिर वन वन ऑन टू नहीं है। अब आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, क्योंकि ये वन वन ऑन टू है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये क्या बन जाएगा? आपने इन्वर्स फाइंड किया था कि एफ सच दैट एक्स फ्रॉम एक्स सेट टू वाई सेट, और अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आप लिखेंगे एफ इन्वर्स y टू x, याद है? उसके क्या होते हैं, जो डोमेन है वो कहाँ चला जाता है? रेंज में, और जो रेंज है वो कहाँ जाती है? तो यहाँ पे अगर ये फंक्शन वन वन ऑन टू है तो इस फंक्शन का इनवर्स जो है क्या आप ऐसे डिफाइन करेंगे, साइन इनवर्स x सच दैट माइनस वन टू वन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। ठीक है जी, रिकॉर्ड हो रहा है इसमें? ठीक है जी, अब समझ आ गया। तो इनवर्स फंक्शन जो है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, ये क्या बन गया अब इस इनवर्स का? डोमेन। ये साइन एक्स का क्या था? रेंज था, और इसकी जो डोमेन थी वो इसकी क्या बन गई? रेंज। ठीक है,
तो इसी प्रकार आप कॉज एक्स के लिए भी कर सकते हैं, टैन कॉट कोसेक यूनिट सीखने के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, और ये मैंने सिर्फ एक की लिखी है, तो हम इसमें सबकी मैं लिख के बताता हूँ कि जो इनवर्स फंक्शन है उसमें आपकी डोमेन और रेंज जो है वो क्या बन गई है। ओके, तो यहाँ पे देखें, मैंने ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ये उनके इनवर्स है। अब इनका कंपैरिजन करके देख लो, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आपको ज़रूरत है इनकी। ये टेबल आपको बेटा याद होना चाहिए, अगर आप ये टेबल याद नहीं करेंगे आप इस एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इनवर्स फाइंड करना है तो हमें इनकी रेंज जो है वो सबको याद करनी है। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स का डोमेन था, हमने रिस्ट्रिक्ट किया था पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू और माइनस वन टू वन, तो यहाँ पे इनवर्स में क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो माइनस वन टू वन इसकी क्या बेटा आ गई डोमेन और ये क्या आ गई रेंज। कॉज इनवर्स एक्स का जो है जो रेंज है वो जीरो टू पाई, कोसेकेंड की आपके पास आएगा डोमेन आर माइनस माइनस वन टू वन और माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, और इसमें से ज़ीरो नहीं आना है। इसका कारण है कि कोसेकेंड क्या होता है बेटा, वन अपॉन साइन, तो साइन कहाँ पे ज़ीरो होता है, ये देखो मैं आपको याद रखने का तरीका भी बताता हूँ कि आपने याद कैसे करना है। ये बेटा ज़ीरो, दिस इज़ पाई, दिस इज़ माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू, क्या लिख सकता हूँ ऐसे मैं, ये आएगा माइनस पाई बाई टू, ये प्लस पाई बाई टू, इस तरफ पाई है बेटा, इस तरफ क्या है ज़ीरो, एंगल ऐसे चल रहा है ना। पहला देखिए, जो साइन वर्स एक्स है इसकी रेंज कहाँ होगी, इन दो क्वाड्रेंट के बीच में, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू। तो जब साइन वर्स एक्स का कोई आपके पास इनवर्स फाइंड करना आपने, तो वो जो आपके रेंज आएगी वो इन दो क्वाड्रेंट में आएगी, मतलब आपकी क्वाड्रेंट उसमें इन्वॉल्व होगी फर्स्ट और साथ में इन्वॉल्व होगी फोर्थ, डिपेंड करता है कि वो जो एंगल है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो आपको पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव होगा तो इसमें से और कौन कौन से हैं जो इसी रेंज में आ रहे हैं, एक साइन, दूसरा कोसेकेंड, तो आपके इस रेंज में कौन कौन आएगा, साइन वर्स, कोसेकेंड वर्स और टैन इनवर्स। ये जो तीन इनवर्स फंक्शन हैं ये इन दो क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। देख लो साइन वर्स माइनस पाई बाई टू, इसमें क्या होता है कि दोनों पॉइंट इंक्लूड है, लेकिन कोसेकेंड में क्या है, कोसेकेंड इनवर्स में क्या है कि माइनस पाई बाई टू पाई बाई तो आएगा लेकिन उसमें जीरो नहीं आएगा, जीरो का मतलब ये पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं होगा, कारण जो कोसेकेंड इनवर्स है, जो कोसेकेंड है वो क्या था वन अपॉन, तो साइन जीरो पे क्या था बेटा, साइन जीरो, जब साइन का एंगल जीरो होगा उसकी कितनी वैल्यू होगी, साइन जीरो, जब एंगल जीरो होगा साइन जीरो वह जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो, तो क्योंकि कोसेकेंड इनवर्स है तो वन अपॉन साइन है, वन अपॉन साइन वन अपॉन जीरो दैट इज इन्फिनिटी, तो उस इन्फिनिटी को कवरअप करने के लिए हम यहाँ पे ये सारी क्वाड्रेंट आएगी लेकिन जीरो नहीं आएगा। सिमिलरली थर्ड के आंसर था टैन, टैन में माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, आपका ये दोनों क्वाड्रेंट आएंगे लेकिन ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि टैन जो है पाई बाई टू पे इनफाइनाइट होता है, टैन ऑफ पाई बाई टू, टैन पाई बाई टू, टैन पाई बाई टू या टैन माइनस पाई बाई टू, ये क्या होता है इनफाइनाइट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, तो वो भी हम नहीं लेंगे। सिमिलरली सेकेंड, अब हमारे पास बचा है कोज इनवर्स, सेकेंड वर्स, कोट इनवर्स, और वो कौन सी क्वाड्रेंट में होगा,
इन दो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में। फर्स्ट में देखें, कॉस देखें पहले, जीरो टू पाई और स्क्वायर ब्रैकेट है तो पॉइंट इंक्लूड है, जीरो भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है, तो ये इसकी रेंज आ गई। सेकंड में देखिए, सीकेंट वर्स, उसमें जीरो टू पाई तो है लेकिन पाई बाई टू नहीं है, मतलब इसमें ये पाई बाई टू एंगल ये नहीं आएगा, कारण कि जो यहाँ पे आ गया कोज इनवर्स और दूसरा सीकेंट वर्स और कोट। सीकेंट क्या होता है, वन अपॉन कोज, और कोज पाई बाई टू जीरो, तो वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी बनेगा। यहाँ पे सीकेंट इनवर्स के केस में पाई बाई टू आपका एंगल नहीं आएगा, बाकी सारे एंगल आपके आ सकते हैं। और थर्ड कोट इनवर्स जीरो टू पाई, आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होगी, लेकिन ये जो फाइनल पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट है जीरो और पाई, ये इंक्लूड नहीं होंगे। ये तरीका याद रखने का कि आपने इन रेंज को कैसे याद रखना है। तो ये फर्स्ट और फोर्थ, ये तीन इनवर्स के लिए इनवर्स फंक्शन जो है, और ये जो तीन है इनके लिए ये फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ आएंगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स वन बाई रूट टू, साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू, आपने फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या फाइंड करनी है? तो जाहिर है जब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, प्रिंसिपल वैल्यू, और वो क्या है? माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू। ठीक है, तो इसे करने का तरीका क्या है कि आप लेट करें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई रूट टू। ठीक है, अब जो जो y है, क्या ये रेंज है? जब मैंने इस फंक्शन को y के इक्वल मान लिया तो ये क्या है? रेंज। तो ये रेंज है, तो y किसे बिलोंग कर रहा है इस केस में? माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक। तो ये हमारे पास एंगल कौन कौन सा आएगा? फर्स्ट और फोर्थ में एंगल जो है आपका जा सकता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, अब देखिए इस साइन वर्स को आप इधर ले आए तो क्या बन जाएगा? साइन वाई इज इक्वल टू वन बाई रूट टू। अब आपने क्या करना है कि वन बाई रूट टू कौन से एंगल की वैल्यू है, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू वन अपॉन रूट टू है? साइन पाई बाई फोर। अब आप देखें कि ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेंट कौन सी हुई? फर्स्ट हुई ना। यहाँ पे साइन पाई बाई फोर का मतलब है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्योंकि साइन की यहाँ पे रेंज कहती है जहाँ तो पॉजिटिव जहाँ तो नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आएगा जहाँ पे। तो आपके पास जो एंगल है वो पॉजिटिव है, तो साइन पाई बाई फोर आ गया आपका कौन सी क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। तो साइन वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? साइन पाई बाई फोर। अब देखो, सिंस y किसे बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपके पास फिर y की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई फोर। दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, चलिए इसे नोट करें, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके एक्सरसाइज है 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू, आपने इसका फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमारे पास पहला स्टेप क्या है? लेट कर ले y के इक्वल y साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। यहाँ पे जो y है ये रेंज है, और साइन इनवर्स के केस में इसकी जो रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक है। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? साइन y इज इक्वल टू माइनस वन, ये जो चीज़ ना आप यहाँ पे लिख सकते थे, मेरे पास स्पेस नहीं थी, तो साइन y इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। आपने
वन बाई टू की वैल्यू फाइंड करनी है, वन बाई टू जो वैल्यू है वो साइन का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू वन अपॉन टू होती है, साइन पाई बाई। आप देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो y है, जो रेंज है इनवर्स साइन इनवर्स x की, साइन इनवर्स की वो रेंज है इन दो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट या फोर्थ। अब डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है तो फर्स्ट में, नेगेटिव है तो फोर्थ में। अब क्या ये नेगेटिव है, तो आपने इस माइनस को मतलब इस एंगल को आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना है। तो इसका बेस्ट तरीका है कि इसको फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे माइनस थीटा कर दें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो ये पाई बाई सिक्स है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ, तो ये इसका मीनिंग है कि ये जो एंगल है ये आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ले गए, इसका ये कतई मीनिंग नहीं है कि ये अंदर चला गया, ये याद रखना। ये मत कहने का अलजेब्रा जी कि आप माइनस को अंदर ले गए, माइनस को कहीं नहीं ले गए, आप इस एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में ले गए जिस वजह से ये माइनस जो है इसके साथ आ गया। अब ये बन गया साइन वाई इज इक्वल टू साइन सम एंगल, ठीक है। अब देखो क्योंकि जो रेंज है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो है माइनस पाई बाई टू टू से लेकर पाई बाई टू तक, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस रेंज ऑफ साइन ऑफ एक्स इज माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, तो फिर हमारे पास y क्या आ गया, माइनस पाई बाई सिक्स। अब प्रश्न उठता है कि हम यही क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, इसके लिखने की जरूरत क्या है। यहाँ देखो साइन से साइन कट गया, पाई की वैल्यू माइनस पाई बाई सिक्स आ गया, ठीक है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पे कि ये साइन है, साइन दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक फोर्थ में और एक थर्ड में। तो हमने तो सिर्फ लिया माइनस पाई बाई सिक्स, हम ये तो थर्ड वाला तो कंसिडर नहीं किया हमें, हालांकि यहाँ पे भी साइन जो है वो नेगेटिव होता है, लेकिन हमने कंसिडर किया माइनस पाई बाई सिक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, वो इसलिए कि हमें जो रेंज दी है साइन इनवर्स की वो दी है माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, तो हम इन दोनों क्वाड्रेंट में ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। बात की थी ना रिस्ट्रिक्शन की, कि आपकी रिस्ट्रिक्शन वहीं रहेगी, अगर आपने रिस्ट्रिक्शन हटाई तो वो वन वन ऑन टू नहीं होगा, अगर वन वन ऑन टू नहीं है तो वो इन्वर्स नहीं होगा, अगर इन्वर्स नहीं है तो आप यहाँ पे ये सॉल्व इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, समझ गए मेरी बात। तो ये आपका आंसर है ये, ठीक है, चलो नोट करें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, कोज इन्वर्स वन बाई टू प्लस टू मल्टीप्लाई साइन इन्वर्स वन बाई टू। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मीनिंग है कि ये फर्स्ट पार्ट है इसका हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू, और इसके भी हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर यह टू मल्टीप्लाई सॉल्व करना है अपने। तो दो पार्ट है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसमें, तो मैं इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब आपको समझ आ गया, देखो यहाँ पे कोज इनवर्स वन बाई टू, तो कोज इनवर्स का मतलब है कि कोज की रेंज क्या है बेटा, जीरो टू पाई, तो ये आ गया जीरो टू पाई, जीरो टू पाई, ये वाला आ गया कॉस के लिए। अब वन बाई टू है तो हमने क्या करना है कि जो वन बाई टू है वो वैल्यू है कॉस के कौन से एंगल की, वो हमने ढूंढनी है, लेकिन हमने ढूंढनी वो है जो इन दो क्वाड्रेंट में होगी, हमारी शिक्षण है ना कि इन दो क्वाड्रेंट में। तो एक तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो वन बाई टू जो है वो कोज के कौन से एंगल की वैल्यू है, हाँ जी कॉस 60 जो है वो होता है वन बाई टू, तो ये आ गया मेरे पास प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू, और साइन इनवर्स का रेंज आपने दिमाग में रखना है कि रेंज क्या है माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, तो मेरे पास ये वाली रेंज है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है।
और डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव है मीन कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा। तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स, और 1/2 कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है और इसकी वैल्यू 1/2 है, 5/6। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to π एंड रेंज ऑफ साइन वर्स एक्स इज -π/2 से लेकर π/2 तक। आप ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। आपने ये कैसे ले लिया, आपने ये यूज़ किया तब आपने ये वैल्यू ली। मैंने पहले भी कहा था कि ये वैल्यू कहीं और भी जा सकती है। कॉस जो है कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, अगर हमने 11th क्लास में पढ़ा है, कॉस जो है फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो ये फोर्थ में भी जा सकता था, लेकिन हम फोर्थ में लेके गए, हम इसे लेके गए फर्स्ट या सेकंड, हमारे रिस्ट्रिक्शन है। तो ये तभी जब यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या है और रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉस है, कॉस कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 5/3 और +2, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या आएगा 5/6, ये कैंसिल, तो ये आएगा जी 2π/3। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 ये फिनिश है। बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं इसमें आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मैंने लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है आप वहाँ से वो क्वेश्चन रेफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।